शहीर वन ऑफ माय फेवरेट मेल टिकटॉक स्टार है एंड हफ्सा का तो आप लोगों को पता ही है, इस चैनल के साथ बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। इनफैक्ट आज ही हफ्सा ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड किया है जिसमें मुझे और आकाश को टैग किया है। प्लस रिसेंटली मैंने जो Q&A वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने मुझे हफ्सा के बारे में पूछ पूछ के इतना तंग किया है। तो यह बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है हफ्सा का इस चैनल के साथ एंड इस वीडियो में दोनों साथ में रहेंगे, हफ्सा एंड शहीर। तो लेट्स चेक इट आउट। चल फसा के दिखा फसा के दिखा। वैसे भी हफ्सा से सोनी कुड़ी ढूंढना बिल्कुल इजी काम थोड़ी है। ओह बहुत अच्छे लग रहा है ट्रेडिशनल ड्रेसेस में एंड आई एम हैप्पी कि अभी शहीर बियर्ड रखने लगा। वैसे आकाश का फेवरेट सॉन्ग है, सांवले तू चिट्टा चिट्टा, मुझे भी पसंद है यार। सीरियसली देखो ना, लाइक ऑलरेडी शहीर अबव एवरेज था लेकिन जब से बियर्ड रखने लगा है ही इज लुकिंग सीरियसली हैंडसम। अच्छा ये रबीका के बर्थडे का है क्या? आप लोग मुझे बोल रहे थे कि रबीका के बर्थडे पे रिएक्ट करूं। जान नहीं आया किन्ना सोना किन्ना सोना तेनु रब। अच्छा शहीद को भी इनवाइट किया था। ऑब्वियसली उसको क्यों नहीं इनवाइट करेंगे। इधर हो के चीट किया तो तारे तारे बोले गिली गिली अखा। बेबी प्लीज सिंग नाउ वंस। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, कश्ती को तूफान का मैंने उल्टा गा दिया। सोने रंग दे रांझिया तेरे ही जैसे। मैं कितना स्लो हूँ, मैंने अभी अभी नोटिस किया कि दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने। यारी सोने रंग दे रांझिया तेरे लिए जो करा फील किसे ली ना करा गल समझदा क्यों। बहुत अच्छी लग रही है यार हफ्सा। I mean, सिर्फ हफ्सा ब्यूटीफुल नहीं लग रही है, दोनों काफी साथ में अच्छे लग रहे हैं, वो बोल रहा था मैं। ये तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा है? यार ये तुम्हारे मुंह पे भी कुछ लगा है? रहने दो, मैंने खुद ही लगाया। तुम्हें कभी किसी ने बताया तुम कितने खूबसूरत हो? नहीं। होते तो कोई बताता ना। सच कहते हैं ओनो ये लोग रोड पे डांस करने वाले क्या? निक्की निक्की गल नू वधाई रख दे, चौबी घंटे खप खाना पाई। अच्छा हफ्सा को बैठना है क्या उधर? सिरे नू करके शुदाई रख दे ते तो मैं डैडी। ऑफ कोर्स हफ्सा को कौन मना कर सकता है। एनीवेज क्या कहूँ ये लड़ता है अकड़ती। शहीर के एक्सप्रेशंस देखो यार, सही है। बिगड़ती है दीवानी है आजकल तेरी मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान। अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या? आजकल तेरी मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान। तेरा बैक रेफरेंस दोनों मारे से करंट। ओह ये मोटो वाला सॉन्ग है ना। अफसा के चीक्स कितने क्यूट है। और ये तुम क्या लगा रखा है? आप कहकर बात किया करो मुझसे। आप और तुम्हें ये सुन के मुझे इसका सुनो चंदा का याद आ रहा। अच्छा नहीं होगा। तुम इसमें मेकअप ज्यादा नहीं लगाया शायद हफ्सा ने। अच्छी लग रही है उस
अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा, कॉन्फिडेंस को देख के लग रहा बहुत बड़े लेजेंड है, इधर एक्टर या सिंगर। अब तुम ये मुंह सुजा के रखोगी कि चलोगी, हमें देर हो रही है। नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ। जहन्नुम में जाए फिर तो मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी वहाँ पे। आओ चलो। बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे थे लोग। मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे, वैसे ये कौन है? अच्छी लगती हो। Again, अगर मुझे क्लिक नहीं हो रहा कौन है, अगर मैंने देखा है तो सॉरी, मैं भूल चुका हूँ। इसमें तो शरीर है ही नहीं। ब्लू सीरियसली सूट होता है इस पे, अब सब पे। जाना मुझे हाय ओ मेरी जान, ना हो परेशान, बिना तेरे मेरा सर ना नहीं। ये क्या उन्होंने स्लो मोशन में शूट किया है क्या? लिप सिंकिंग थोड़ा वियर्ड लग रहा है। क्या एक्सप्रेशन सर, नहीं सीरियसली इन्होंने स्लो मोशन पे शूट किया ऐसा लग रहा है। ओके, तो वीडियो खत्म हो चुका है। इन दोनों को साथ में देखना बहुत ही एंटरटेनिंग था, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री है, और जब केमिस्ट्री होता है ऑन स्क्रीन दिखाई देता है। इन दोनों का बहुत ही एफर्टलेस लग रहा था वीडियो, दोनों वीडियो बनाते वक्त एंजॉय कर रहे हैं वो भी काफ़ी क्लियर है। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि दोनों बहुत ही फेमस टिकटॉक स्टार्स हैं, तो ये दोनों साथ में बनाएंगे तो बहुत व्यूज़ मिलेंगे, बहुत लाइक्स मिलेंगे, वो बात भी नहीं है। इन लोग कजिन्स भी हैं, तो शायद बचपन से एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो वो सब स्क्रीन पे दिखाई देता है। एंड इट वॉज वेरी एन्जॉयबल टू सी, एज एन ऑडियंस मेम्बर भी बहुत ही एन्जॉयबल था। एंड या इट डजेंट हर्ट कि मैं इन दोनों को ऑलरेडी पसंद करता हूँ इंडिविजुअली। मैंने जब पहली बार शहीर और हफ्सा पे रिएक्ट किया था, मुझे पता भी नहीं था ये दोनों कजिन्स हैं, लेकिन स्टिल दोनों को मैंने इंडिविजुअली पसंद किया एंड साथ में देखना इट वॉज अ ट्रीट। मैंने पूरी तरह से एंजॉय किया। अभी सुनते हैं कि आकाश को ये वीडियो कैसा लगा। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। तो मैं आज बात करने वाला हूँ हफ्सा खान की और शहीर खान की। सच में बहुत अच्छे लगे। मैं ऐसे मतलब देखते देखते मैं काफी मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उन दोनों का मतलब एक साथ होना और काफी मस्ती मजाक। और अच्छी बात है कि एक दूसरे के अच्छे कजिन्स है मतलब। और जैसे वो शायर वाला, तो वो तो मुझे शायर सॉन्ग काफी अच्छा लगता है। जन्नत मिर्जा का शायर सॉन्ग जो अभी अभी आया हुआ है, वो भी सॉन्ग मुझे काफी अच्छा है लगा, मतलब अच्छा लगा वो सॉन्ग भी मुझे। तो वो सॉन्ग पे भी टिकटॉक किया है, जैसे कि होस्ट है उनके उनके साथ, यहाँ अफसा और यहाँ शहीर है और बीच में वो होस्ट है। तो ये वीडियो मतलब वो वाला भी मुझे काफी अच्छा लगा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके। बाय।